इतना सुहाना दिन है आज तो पक्का बारिश होगी गुड मॉर्निंग आज तुम जल्दी उठ गई? आज हम घूमने जाएंगे पार्क, चलोगी ना? आसमान में इतने सारे रंग ओ बेटा ये इंद्रधनुष है तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा क्या मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा ये कैसे बना <laughs> चलो अब घर चलते हैं घर चलकर मैं तुम्हें सतरंगों की दुनिया में ले जाऊंगी चले मीनू अरे वाह तो बहुत मजा आएगा मीनू अब मैं तुम्हें सतरंगों की दुनिया में ले जाने वाली हूँ इसके लिए हमें एक लैम्प की जरूरत है और तीन अलग अलग रंगों की गेंदों की देखो मीनू इस सफेद लाइट में तुम्हें तीनों गेंदे दिख रही हैं, है ना हाँ तीनों दिख रही है चलो अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर मैं पीली नीली या लाल रंग की शीट इस लैम्प के बल्ब के आगे लगा दो। मीनू जब मैंने येलो शीट लगाई है बल्ब के आगे तो तुम बता सकती हो तुम्हें कौन सी गेंद दिख रही है हाँ बिल्कुल सही जवाब पीली रोशनी में तुम्हें सिर्फ पीली गेंद दिख रही है चलो अब हम लाल शीट लगा के देखते हैं लाल शीट में तुम्हें सिर्फ लाल गेंद ही दिख रही है है ना इसी तरह से नीली लाइट में तुम्हें सिर्फ नीली गेंद दिख रही है और बाकी दोनों गेंदे काली दिख रही हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सफेद लाइट में कई सारे रंग हैं जब हमने सफ़ेद लाइट चलाई तो हमें तीनों गेंदे दिख पा रही थी लेकिन जब हमने लैम्प में येलो रंग की शीट लगाई तो लैम्प ने सिर्फ येलो रंग की गेंद को रिफ्लेक्ट करा और बाकी दोनों गेंदों के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया इसी तरह से जब हमने रेड लाइट चलाई तो रेड लाइट के अंदर सिर्फ रेड बॉल जो थी वो रिफ़्लेक्ट हुई लेकिन बाकी दोनों गेंदें जो थी वो के कलर को रंग को एब्जॉर्ब कर लिया और यही चीज हमारी नीली लाइट में हुई आओ अब हम जानेंगे कि स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं इसके लिए हमें एक प्रिज्म और एक टॉर्च की जरूरत पड़ेगी मीनू इस टेबल पर एक प्रिज्म है और एक टॉर्च है जब मैं टॉर्च की सफ़ेद लाइट को प्रिज्म के पीछे से चलाऊँगी तो अब प्रिज्म के आगे से तुम्हें सात रंग दिखेंगे मिनू, मीनू अब हम एक और तरीका देखते हैं इसके लिए हमें एक पानी का ग्लास चाहिए उस पानी के ग्लास में हम एक शीशा रखेंगे अब हम एक टॉर्च की सफ़ेद रोशनी को शीशे पर डालेंगे यह ध्यान रखना है कि कमरे में अंधेरा होना चाहिए अब तुम देख सकती हो कि ग्लास के कोने से कुछ सतरंगी कलर निकल रहे हैं लेकिन जब हम वाइट शीट लगाएंगे तो हमें सातों रंग दिखेंगे जब बारिश की बूंद पर सफ़ेद रोशनी पड़ती है तो यह एक प्रिज्म के रूप में काम करता है और डिस्पर्जन के कारण प्रकाश के सात रंग में विभाजित हो जाता है लेकिन जब प्रकाश के रंग वर्षा की बूंदों को छोड़ते हैं तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश संघ्न माध्यम से विरल माध्यम यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम में यात्रा कर रहा होता है फिर जब प्रकाश वर्षा की बूंद को छोड़ता है तो यह फिर से रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तित हो जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है मिनू अब तुम बताओ तुमने और कहां ऐसे सतरंगी कलर देखे हैं सोचो सोचो मिनू इन साबुन के पानी के बुलबुलों में भी वही हुआ जब सफेद लाइट इन पे पड़ी तब इन बुलबुलों में ऐसे ही सात रंग दिखने लगे अरे वाह दीदी, साबुन के पानी में जो बुलबुले उठ रहे हैं उनमें मुझे इंद्रधनुष जैसे रंग दिख रहे हैं। मीनू अब तुम बताओ तुमने और कहाँ ऐसे सतरंगी कलर देखे हैं? सोचो सोचो सीडी को घुमाने पर